हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कुणाल दुआ फ्रॉम इको विजनर एंड आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी मार्केट इक्विलिब्रियम की क्लास थर्ड। सीक्वेंस में ही चलना है, बार बार मैं कहता हूँ, पहले डिमांड, फिर सप्लाई, फिर ये मार्केट इक्विलिब्रियम की क्लास वन टू और अब ये थर्ड। तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि जब दोनों डिमांड सप्लाई एक साथ बढ़ते हैं घटते हैं तो क्या होता है। अब उसी के अंदर हम कुछ और केसेस ऐड करते हैं। तो टॉपिक है आपकी बार, लिखो क्वेश्चन, शो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। इफ डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक एंड सप्लाई इंक्रीज, या हो सकता है सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इंक्रीज, या मैं इनको कर सकता हूं परफेक्टली इन इलास्टिक। और सप्लाई इंक्रीज, फोर्थ, सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इंक्रीज, ऐसी इनके डिक्रीज के भी हो सकते हैं। पर अगर ये चार समझ लिए तो समझ लो सारे केस कवर हो गए। तो स्टार्ट करते हैं पहला। इसको स्टार्ट करने से पहले एक मेन बात पहले ही लिख लो शॉर्टकट करके, कोई भी कर्व अगर परफेक्टली इलास्टिक बनाना है, लास्ट क्लासों में हम ये बात समझ चुके हैं डिमांड सप्लाई दोनों में परफेक्टली इलास्टिक, तो वो कर्व ऐसे होते हैं परफेक्टली इलास्टिक प्राइस क्वांटिटी, उनकी क्वांटिटी का कोई एंड नहीं है, परफेक्टली इलास्टिक आगे तक ऐसे चल रहे हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कोई भी, सिंपल लिख सकते हो, कोई भी कर्व डीडी हो या एसएस हो सेम बनेगा, परफेक्टली इलास्टिक अगर कह रहा है क्वेश्चन है। और कोई भी कर्व डी डी एस एस में से अगर परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए हमें कहा गया है तो आपको उसको इस टाइप का बनाना है, ऐसा परफेक्टली इन इलास्टिक। इसके साथ भी यही नोट है, कोई भी कर्व डिमांड हो चाहे सप्लाई हो, तो परफेक्टली इन इलास्टिक वाले ऐसे हो गए, क्वांटिटी एक जगह पे फिक्स हो जाएगी, और परफेक्टली इलास्टिक वाले ऐसे। अब बच गए जिसके साथ कुछ नहीं लिखा, जैसे खाली डिमांड खाली सप्लाई, वो नॉर्मली होंगे, डिमांड डाउन होगा सप्लाई अप होगा, ये नॉर्मल कर्ज ही होते हैं। तो ये एक शॉर्टकट है हमारा, इसके बाद ये सारे केस हमसे हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट केस, सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। तो आंसर वन, डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, यानी डिमांड तो ऐसा बन गया इस टाइप का, सप्लाई नॉर्मल बनाओ, नॉर्मल सप्लाई अपवर्ड, टक्कर हो गई, टक्कर से निकाल लो पी और निकाल लो क्यू। अब क्वेश्चन ने हमें कहा है सप्लाई इंक्रीज, तो जो भी कर्व इंक्रीज होता है राइट शिफ्ट जाता है वो एस डैश एस डैश, न्यू टक्कर यहाँ हो रही है ई डैश, पहले हो रही थी यहाँ ई, देखो प्राइस सेम रहेगा क्वांटिटी बढ़ गई, इक्विलिब्रियम प्राइस सेम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज, शॉर्ट में मैंने लिख दिया। अब करते हैं हम सेकंड, इसका रिवर्स साथ साथ करा दो, अगर सप्लाई डिक्रीज भी कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे तो भी प्राइस सेम रहता पर क्वांटिटी कम हो जाती। अब हम करते हैं केस टू, सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक,
सप्लाई को परफेक्टली इलास्टिक, यानी इसका नाम अगली बार एस एस ऐसे वाले का है। नॉर्मल डिमांड, डिमांड के साथ तो कुछ नहीं लिखा, तो नॉर्मल बनाएंगे, वो ध्यान रखना डाउनवर्ड होता है, डी डी, ये टक्कर, टक्कर से पी, टक्कर से क्यू। अब क्वेश्चन ने कहा है डिमांड इंक्रीज, यानी राइट शिफ्ट कर दो, जिसको बढ़ाना है उसको राइट शिफ्ट कर दो, न्यू टक्कर ये री। फिर वही आंसर आ रहा है इक्विलिब्रियम प्राइस सेम, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज। इससे एक बात समझ आ गई, लिख भी लेना आप साथ साथ नोट अपना, वीडियो चाहे पॉज करके लिखो। कोई भी एक कर्व अगर ऐसा बन जाए तो दूसरा डिमांड हो या सप्लाई हो, ऐसा हो ऐसा हो, आगे हो राइट हो लेफ्ट हो, प्राइस हमेशा सेम रहेगा। देखो इधर टक्कर मार लो, इधर मार लो, इधर इधर कहीं भी टक्कर मार लो, कोई भी एक कर्व ऐसे अगर परफेक्टली इलास्टिक, तो प्राइस हमेशा सेम आते हैं। अब करते हैं केस थ्री। थर्ड, डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, सप्लाई नॉर्मल रखो अपवर्ड, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, सप्लाई इंक्रीज, रेड कलर से बना लेते हैं। इंक्रीज मतलब राइट शिफ्ट, न्यू इंटरसेक्शन पॉइंट गेरी ई डैश, इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सेम। कोई भी कर्व परफेक्टली इन इलास्टिक हो तो वो ऐसा हो जाता है। अब की बार है सप्लाई, ये मिट गया है, यहाँ हमने पहले लिखा हुआ था सप्लाई। डिमांड नॉर्मल डिमांड, ये हो गया हमारा नॉर्मल डिमांड, ये इंटरसेक्शन पॉइंट ई पी क्यू। डिमांड इंक्रीज करनी है, राइट कलर से कर देते हैं। न्यू इंटरसेक्शन पॉइंट, इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सेम। कोई भी एक कर्व अगर ऐसे अटक जाए क्वांटिटी वाली साइड पे, तो दूसरा डिमांड हो चाहे सप्लाई हो, राइट शिफ्ट हो लेफ्ट शिफ्ट हो, क्वांटिटी हमेशा सेम रहेगी। इसके न्यूमेरिकल्स भी बनाए जा सकते हैं। मान लो हमें क्वेश्चन में क्वांटिटी डिमांडेड की इक्वेशन गिवन है 400 माइनस 2p, और क्वांटिटी सप्लाइड की भी इक्वेशन गिवन है मान लो 100 प्लस पी, और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। तो बड़ा ही सिंपल है ये, तो एट इक्विलिब्रियम हमें पता है क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, तो इसको इधर ले आते हैं, 300 इज इक्वल टू 3p, p इज इक्वल टू 100, यह आ गया इक्विलिब्रियम प्राइस। अब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालते हैं, QD की इक्वेशन में लगा लो 400 माइनस 2 इंटू 100, या QS की इक्वेशन में लगा लो वेरीफाई करने के लिए, आंसर दोनों में सेम होगा, तभी तो उसका नाम है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, दोनों क्वांटिटियां सेम हो जाती हैं इक्विलिब्रियम लेवल पे। तो ये बड़े ही बेसिक न्यूमेरिकल है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन प्राइस डिटरमिनेशन। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है? वैसे तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती नहीं, डिमांड सप्लाई जो है वो ही प्राइस निकाल देती है, मतलब डिमांड सप्लाई की टक्कर से प्राइस डिटरमाइन हो जाता है, पर कुछ सरकमस्टांसिस में गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है। तो वो क्या सरकमस्टांसिस हैं, अब वो समझते हैं। तो पहला पार्ट है इसका मैक्सिमम प्राइस
गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, मैक्सिमम प्राइस सीलिंग, या क्या कर दिया, ये तो हुआ मैक्सिमम क्या रेट आप रख सकते हो। ऐसी दूसरा गवर्नमेंट कर सकती है मिनिमम क्या आप प्राइस रख सकते हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यानी एक बार गवर्नमेंट हमें मैक्सिमम बता देती है बस ये रखना है, एक बार बता देती है मिनिमम ये रखना है। तो ऐसा क्यों करती है गवर्नमेंट, एक एक करके देखते हैं। मान लो ये टॉपिक ए, ये टॉपिक बी, तो पहले हम ए टॉपिक को पढ़ लेते हैं। यानी कि जब गवर्नमेंट मैक्सिमम प्राइस की सीलिंग लगा देती है तो ऐसा क्यों करेगी गवर्नमेंट और कब करेगी, एग्जांपल से समझ आएगा। मान लो ये डिमांड, ये सप्लाई, ये टक्कर का पॉइंट ई, ये प्राइस, ये क्वांटिटी। मान लो ये प्राइस निकला 50 रुपीस। अब गवर्नमेंट को लगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये कोई असेंशियल प्रोडक्ट है, मान लो वीट, शुगर, राइस, कुछ इस टाइप का, और गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये जो मार्केट रेट निकला है 50 रुपये, ये बहुत महंगा है, गरीब लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे में गवर्नमेंट एक लिमिट लगा देती है, कुछ अपनी दुकानें खोलेगी गवर्नमेंट और एक लिमिट लगा देगी कि भाई गरीबों के लिए ये प्राइस बहुत ज़्यादा है और हम इसको फिक्स कर देते हैं, मान लो इस पे पी डैश, मान लो 25 रुपये पे, कि हम तो गरीबों को 25 रुपये में माल दे देंगे। तो जो गवर्नमेंट की राशन की दुकानें होती हैं, फेयर प्राइस शॉप्स, वहाँ पे रेट को मैक्सिमम जो सील करा जाएगा वो 25, यानी मार्केट रेट से नीचे होगा वहाँ पे, किसके लिए, उन गरीबों की बेनिफिट के लिए, ताकि गरीब लोग आराम से माल खरीद सकें। तो लिखना क्या है इसके अंदर, इन केस ऑफ असेंशियल गुड्स ये गवर्नमेंट कर सकती है कि सीलिंग लगा दे, गवर्नमेंट फिक्स अ प्राइस बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी। कब पूरा मैं बोला अभी, जब गवर्नमेंट को लगे कि ये रेट बहुत ज़्यादा है मार्केट वाला, तो गवर्नमेंट एक रेट फिक्स कर देगी, और कैसे करेगी, थ्रू इट्स फेयर प्राइस शॉप, या जिसे आम लैंग्वेज में राशन की दुकानें बोलते हैं। किसके लिए, फॉर बेनिफिट ऑफ पुअर, तो शॉर्ट शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ। देखो गरीब बंदा तो 50 पे इसमें मार्केट रेट जो 50 है उसी पे ही खरीद रहा है, चावल, गेहूँ, राइस, जो भी चीज़ की बात हो रही है। और गरीबों के लिए गवर्नमेंट ने ये एक स्कीम निकाल दी कि मैक्सिमम प्राइस जो है आपके लिए 25 ही रहेगा। पर इसमें एक प्रॉब्लम होगी, देखो क्या प्रॉब्लम होगी, इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स है, गवर्नमेंट कुछ छेड़ाखानी करेगी प्राइस से, तो इकोनॉमिक्स तो काम करेगी। ये देखो इस प्राइस पे सप्लाई हो गई कम, डिमांड हो गई ज़्यादा, तो ये फिर से प्रॉब्लम आ रही है एक्सेस डिमांड। तो एट ओपी डैश क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक्सेस डिमांड एसडी। अगर ये फ्री मार्केट होती, मतलब गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ना होता, फिर तो हम बोलते प्राइस वापस आ जाएगा पी पे। पर अब राशन की दुकानें हैं, गवर्नमेंट की दुकानें हैं, प्राइस वापस तो लीगली नहीं आएगा, कुछ और इम्पैक्ट पड़ेंगे इससे। तो क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे इससे, तो देखो एक तो सबसे पहली बात, गवर्नमेंट की दुकानों में ही हो सकता है कि वो लोग लीगली तो रेट नहीं बढ़ा पा रहे पर इलीगली रेट बढ़ा देंगे, यानी इसे बोलते हैं वहाँ पर होगी होर्डिंग, यानी माल को छुपा के, और बाद में करेंगे ये लोग ब्लैक मार्केटिंग, क्योंकि इन्हें पता है मार्केट रेट 50 है और हमारे यहाँ 25 है, तो गरीबों से 30 भी मांग लेंगे तो वो गरीब 30 भी दे सकते हैं, तो ये ब्लैक मार्केटिंग करेंगे। दूसरा, यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगेंगी, भीड़ बहुत होती है क्योंकि लेने वाली पब्लिक ज़्यादा है और माल कम है, लॉन्ग क्यूज लगेंगी। या गवर्नमेंट फिर ऐसा कर सकती है, फिक्स कोटा, वह कोटा लगा देगी, एक फैमिली को 1 किलो ही मिलेगा, 2 किलो मिलेगा, ऐसा कुछ कोटा लगा देगी, क्योंकि ऐसे तो डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है और माल तो
कम है, तो गवर्नमेंट ऐसे कर सकती है सिस्टम कोटा लगा के। पर जिन लोगों को इस रेट पे मिल जाएगा, गरीब लोगों का, उनका तो बेनिफिट हो जाएगा। तो ये था हमारा टॉपिक, गवर्नमेंट एसेंशियल चीज़ों में बीच में इंटरफेरेंस करती है, प्राइस सीलिंग लगा देती है वहाँ। अब इसका रिवर्स, यानी गवर्नमेंट एक मिनिमम प्राइस सेट करती है, क्यों करती है वो समझते हैं, इसे पहले हटा देते हैं। तो बी पार्ट है हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। फिर से पहले हम मार्केट के रेट देखते हैं, मार्केट के रेट इनकी टक्कर से निकलते हैं डिमांड सप्लाई की। मान लो रेट निकला अब की बार 10 रुपीस। अब मान लो ये किसान का प्रोडक्ट है कोई, फिर से वीट वगैरह या कुछ भी, और गवर्नमेंट को लगा जो ये मार्केट फोर्सेस से रेट निकला है ये बहुत ज़्यादा लो है, 10 रुपये किलो किसान अगर बेचेगा अपना प्रोडक्ट तो गवर्नमेंट को लगा किसान को इससे लॉस होगा, तो गवर्नमेंट ने किसानों के बेनिफिट के लिए रूल बना दिया कि भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम 15 कर रहे हैं। मान लो ये 10 है, इसकी वजह हम यहाँ कर रहे हैं 15। मतलब उन्होंने किसानों को कहा आप मार्केट रेट पे माल मत बेचो, छोड़ो मार्केट रेट को, आप हम जो रेट कह रहे हैं इस रेट पे बेचो, जितना आपका माल बिकता है बेच दो, ना बिके तो बाकी हम उठा लेंगे, गवर्नमेंट खुद खरीद लेगी। तो देखो इन्होंने मार्केट में बेचने की कोशिश करी तो डिमांड तो आई इतनी, पब्लिक ने तो इतना ख़रीद लिया, पर जो सप्लाई को टक्कर लग रही है वो आ गए इतनी, तो ये आ गया एक्सेस सप्लाई। तो गवर्नमेंट कह रही है कोई बात नहीं, तुम्हारा किसानों लॉस नहीं होना चाहिए, ये सारा एक्स्ट्रा माल हम उठा लेंगे इस मिनिमम रेट पे। तो ये भी किसानों के बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट स्कीम निकालती है। तो लिख लेते हैं शॉर्ट में, मार्केट प्राइस तो निकला ओपी, पर गवर्नमेंट को लगा, पूरा शॉर्ट में जो मैं बोल रहा हूँ चाहे एज इट इज सिंपल हिंदी भी लिख सकते हो, गवर्नमेंट को लगा इसमें किसानों को क्या हो रहा है लॉस, तो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया मिनिमम प्राइस। ओपी डैश जैसे कि 15, पर इस पे प्रॉब्लम ये होगी कि मार्केट में डिमांड आएगी कम और सप्लाई है ज्यादा। ओपी डैश लीड्स टू एक्सेस सप्लाई डीएस। तो क्या करें इसका, गवर्नमेंट विल बाय दिस सरप्लस और इसका बना लेगी बफर स्टॉक, मतलब फ्यूचर में देश की सेफ्टी के लिए एक स्टॉक बन जाएगा गेहूं चावल जो भी प्रोडक्ट है ये, कि कहीं कुछ कभी कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, कोई लड़ाई लग जाती है, कहीं फ्लड्स आ जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो एक सेफ्टी स्टॉक गवर्नमेंट का बन जाएगा। तो गवर्नमेंट ये इन फार्मर्स की प्रोटेक्शन के लिए ये सिस्टम बनाती है कि तुम मार्केट रेट की टेंशन मत लो, अगर मार्केट रेट, अच्छा मान लो मार्केट रेट ही 30 निकलता तो फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस 15 का किसानों को कोई फ़ायदा ना होता, ये फ़ायदा तब होता अगर मार्केट रेट बहुत कम हो, तो फिर किसान इस मिनिमम रेट पे ही माल बेचेंगे और जो बचेगा वो सारा सरकार को माल अपना बेच देंगे। अब दूसरी बात, इसको पेपर में एक और नाम से भी बोला जा सकता है, वो लिखो फ्लोर प्राइस। अब मान लो हम एक रूम में जिसमें बैठे हैं, तो ऊपर वाला तो हो गया सीलिंग और नीचे जो सबसे है उसे बोलेंगे फ्लोर। तो यानी फ्लोर आपको ऐसे याद रखना है, फ्लोर मतलब सबसे नीचे, यानी मिनिमम प्राइस, सबसे नीचे जो प्राइस होगा वो होगा 15, और पहला वाला था मैक्सिमम प्राइस सीलिंग, नाम से लग रहा है सबसे ऊंचा जो सीलिंग प्राइस लगा सकते हैं, तो उसमें सरकार एक मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर देती है, तो ये नाम भी पेपर में इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये जो मार्केट इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक है ये भी ख़त्म होता है। तो आप इसको अच्छी तरीके से करो एक बार, क्योंकि इसमें से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हमें लगता है फाइनल एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि बड़े बड़े आंसर हैं इसमें, जैसे दोनों बढ़ गए डिमांड सप्लाई और उस टाइप के केसेस। तो अभी हम इसको यहीं तक
आज की क्लास को रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है।